Hello friends, I hope you are enjoying Spoken, but unfortunately lots of viewer, subscriber comment to me, and I got comment, they were saying that, yeah, whenever we are going for watching your video, we got, and almost we try to speak that time also, but after passing the time, we face lots of problems. So today I will discuss with you how you are not getting confidence while speaking for speaking in English. What are the factors, what are the weak points which you are facing and which you should remove? Today I will tell you. Today I will discuss with you the major problem of English. How people are not getting success in speaking English. So let's start. What happened? लास्ट वीडियो जो मैंने अपडेट किया था जो आपने आई होप यू मे हैव वॉच्ड आल्सो उसके अंदर क्या हुआ मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी पास्ट का इंसिडेंट पास्ट की स्टोरी पास्ट का कोई भी आपका शेड्यूल रहा है कुछ भी आप डिस्कस करना चाहते हो तो आप सेकंड फॉर्म के साथ डिस्कस कर सकते हैं बट एज आई गॉट कमेंट्स बहुत सी कमेंट मुझे आई उन कमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा टुडे आई विल टेल यू दैट आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा पॉइंट आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि आज की वीडियो देखने के बाद आपकी वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी कि हम इंग्लिश या तो बोल ही नहीं पा रहे हैं या समझ तो पा रहे हैं बट बोलने में प्रॉब्लम आ रही अब जो बोल ही नहीं पा रहे उनके लिए सभी वो लास्ट वीडियो जो मैंने आई होप सो 26 और 27 जो वीडियोज मैंने अपलोड किए अपने चैनल पे आप उन सभी को देखिए तो आप उस स्टेज तक आ जाएंगे जहां तक आपको इंग्लिश समझने आना शुरू हो जाएगा अगर आप बिल्कुल ग्रास रूट लेवल की अगर मैं बात करूं अगर आप जीरो से ही सीखना चाहते हैं तो लास्ट में आपको सलाह दूंगा आपको रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप लास्ट के जो 27 और 25 जो मेरी वीडियोस हैं आप उनको अच्छे से देखें एक बार समझ में नहीं आता है दो बार तीन बार एज यू नो वेरी वेल प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और वो देखते हुए आप आगे बढ़िए और जब आप इस वीडियो तक पहुंच जाए सो बड़े ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा सो जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो यही प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं कि बहुत बार क्या होता है आई लिसन लॉट्स ऑफ टाइम स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं एक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि सर हम समझ तो पाते हैं लिख भी लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं बट वी कांट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली दिस इज द मेन प्रॉब्लम हमारे सामने जो आती है कि हम इंग्लिश बोल नहीं पाते सो टुडे आई विल डिस्कस विद यू दैट व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दैट वी आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश वो प्रॉब्लम आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला सो बिफोर डिस्क्राइबिंग दैट आई वॉन्ट टू नो दैट अगर आज आपको मैं एक ऐसा इजी वे बता दूं या आज मैं आपको खुद रियलाइज करवा दूं या आप ही उस सोल्यूशन को गाइड करें उस प्रॉब्लम को सोल्व आउट अपने आप कर ले सो आई होप कितना अच्छा होगा आज मैं चीज आपको बताने के लिए जा रहा हूं जो पॉइंट्स मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और उन पॉइंट्स के बेस पे ही मैं आपका जो इंग्लिश समझने का और बोलने का जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व आउट करूंगा उसको हम कोशिश करेंगे कि आई होप इन कमिंग टाइम आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस ना हो तो सबसे पहली बात लेट अस सपोज दैट अगर मैं बात करूं आपसे क्या हिंदी में भी आपके साथ ऐसा ही होता है कि आपको हिंदी लिखनी आती है पढ़नी आती है और सिर्फ समझनी आती है बोलनी नहीं सो आई होप आप कहेंगे सर मजाक कर रहे हो हिंदी तो हमारी मातृभाषा है इट इज आवर मदर टंग सो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है या फिर आप ये सोचते हो कि सर इंग्लिश को ट्रांसलेट करना पड़ता है हिंदी को ट्रांसलेट करना नहीं पड़ता या दिस इज द पॉइंट अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा आपको बताने जा रहा हूं कि आप इंग्लिश बोल क्यों नहीं पाते हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है या फिर आज तक आप इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाए अगर आपने अभी तक मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी और ये पहली वीडियो है तो भी और अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी हैं तो भी क्या प्रॉब्लम रही कि आप इंग्लिश बोल नहीं पाए टुडे आई विल टॉक विद यू अबाउट द सेम थिंग सो फर्स्ट थिंग जो मैं आपके सामने आज जो पहला पॉइंट है वो डिस्क्राइब करने वाला हूं अगर आपको ये पता लग जाए
कि आपको हिंदी बोलना कैसे आया। सो आई होप कहीं ना कहीं आसान होगा इंग्लिश बोलना सीखना समझना। हाँ एक एग्जांपल देता हूं, आपने देखा होगा दुपहिया वाहन, यस आपको समझाने के लिए यूज करना पड़ रहा है, टू व्हीलर जिसको आप बोल सकते हैं, दुपहिया वाहन। किसी के ऊपर लिखा होता हीरो, किसी के ऊपर होंडा, किसी के ऊपर बजाज, किसी के ऊपर टीवीएस और किसी के ऊपर एलएमएल, सुजुकी भी लिखा होगा। तो क्या आप उनको इन्हीं नाम से बुलाते हैं? क्या बोलते हैं सुजुकी भी सुजुकी, या मेरे पास सुजुकी है, या आप किसी से पूछे भी क्या आपके पास हीरो है, क्या आपके पास होंडा है, क्या आपके पास बजाज है, क्या आपके पास वॉक्सर है, क्या आपके पास रॉयल इनफील्ड है? आई होप नहीं। या फिर आप किससे पूछते हो, आप कंफर्म करें कि आपके पास मारुति 800 है, क्या आपके पास नैनो है, क्या आपके पास स्विफ्ट डिजायर है, क्या आपके पास वट एवर बीएमडब्ल्यू कार है? यस आई यूज कार। सो इट इज हैपनिंग दैट जब भी हम किससे क्वेश्चन करते हैं तो ये नहीं पूछते आपके पास बीएमडब्ल्यू है, आपके पास मारुति 800 है, आपके पास ऑडी है, हमारा व्हाइट गिनी है। हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन रहता है कि आपके पास कार है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। हम बात करते हैं भाई मैंने कल बाइक खरीदी, आप नहीं बोलते कल मैंने होंडा खरीदी, कल मैंने हीरो खरीदी, कल मैंने बजाज खरीदी। यू आर टॉकिंग अबाउट दैट कि मैंने कल बाइक खरीदी। सो दिस इज द फैक्टर जो आपको थोड़ा सा समझना है कि आपने बोला बाइक खरीदी, या हम किससे पूछते कि आपके पास बाइक है, ऑब्वियसली वो बोलता है कि मेरे पास बाइक है, उसके पास बाइक है, हमारे पास बाइक थी, हम बाइक लेंगे, ऐसे करके कोई नहीं बोलता उसके पास हीरो है, मेरे पास होंडा है, उसके पास बजाज है, उसके पास सुजुकी है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यस ऑफ कोर्स। अगर थोड़ा सा सोच के देखेंगे सभी नाम है, ये एक ही चीज के अलग अलग नाम है, मीन्स वो चीज जिसके ऊपर रूल वही अप्लाई होता है बट कोज ऑफ कंपनी उनके नाम अलग। हाउ? मेरा नाम बबलू है तो आप जो सुन रहे हैं आपका नाम कुछ और होगा, बट वॉट इज द मैटर कि आपके भी दो हाथ है मेरे भी दो हाथ है, आपके भी दो पांव मेरे भी दो पांव, मीन्स बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, जस्ट नाम अलग देके अलग अलग उनको बना दिया गया। मीन्स दैट वो है तो बाइक, वो है तो मोटरसाइकिल, बट क्या हीरो की है, होंडा की है, बजाज की है? ओके, एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, अगर आपको कोई होंडा की बाइक चलानी सिखा दे सो क्या बजाज की बाइक चला लेंगे, क्या आप हीरो की बाइक चला लेंगे, क्या आप सुजुकी की बाइक चला लेंगे? आई होप आप में से किसी का भी आंसर नो नहीं होगा। और अगर आपसे पूछा जाए ऐसा क्यों, ऑब्वियसली आप बोलेंगे सर क्लच भी वही होती है, रेस भी वही होती है, हल्के हल्के बस वो बैलेंस ही तो रखना होता है सब में, ब्रेक भी ऐसे ही लगते हैं, बैलेंस भी ऐसे ही करना पड़ता है, टू सीटर सभी होती हैं, पेट्रोल उसमें डलता है, पेट्रोल उसमें डलता है। सो यस दिस इज द राइट थिंकिंग इफ यू आर थिंकिंग अबाउट दिस। अगर आप सोच रहे हैं ऐसा तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो थोड़ा सा भूल जाइए एक मिनट के लिए कि ये बाइक है। अब थोड़ा सा ऐसे करते हैं, इस बाइक को हम ये नाम दे देते हैं लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है, दोपहिया लैंग्वेज है। अब एक हीरो की लैंग्वेज है, एक होंडा की लैंग्वेज है, एक बजाज की लैंग्वेज है। सो अगर आपको बजाज की लैंग्वेज चलानी आ जाए तो क्या होंडा की चला लेंगे, क्या हीरो की चला लेंगे, क्या सुजुकी की चला लेंगे? तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा यस। सो द सेम थिंग अगर मैं आपको बताऊं, जैसे किसी भी बाइक को चलाने का मेथड एक ही होता है, वट एवर कंपनी कोई भी है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता, हमें वो मेथड आ जाता है, हमें बैलेंस करना आ जाता है, हमें क्लच और रेस का जो कॉम्बिनेशन है वो समझ में आ जाता है। द सेम थिंग विद लैंग्वेज ऑल्सो। इस दुनिया में कोई भी भाषा है सीखने का मेथड एक ही है। हाँ वो भाषा जो है उसको अलग अलग नाम दे दिया गया है, ये हिंदी भाषा है, ये अंग्रेजी भाषा है, ये फ्रेंच भाषा है। मीन्स दैट लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज, कन्नड़ लैंग्वेज, इंडोनेशियन, हिमाचली, व्हाटएवर, ऐसे करके होता है। सो ध्यान रखिए लैंग्वेज तो वही है, भाषा तो एक ही है। मीन्स जैसे बाइक एक है, मेथड एक है सीखने का, ऐसे लैंग्वेज एक है, मेथड एक ही होगा सीखने का, बस उस लैंग्वेज को अलग अलग कंपनी के नाम दे दिए।
मेरा कहने का मतलब है, जैसे बाइक को सीखना एक ही मेथड से होता है, एक ही तरीका लगता है, एक ही फैक्टर, एक ही आप बात करें तो एफर्ट्स आपको उसके ऊपर लगाने पड़ते हैं। द सेम थिंग विद लैंग्वेज ऑल्सो। अब अगर आपको वो पता लग जाए, जैसे आपने बाइक का क्लच और रेस का कॉम्बिनेशन जान लिया था, चलाते वक्त कॉन्फिडेंस आपको आ गया था, बैलेंस आपने जान लिया था, अगर आपको ऐसा ही पता लग जाए कि वो भाषा को सीखने का लॉजिक, उस भाषा को सीखने के एफर्ट हमें क्या लगाने पड़ेंगे, और उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है ये जान लेना कि क्या सभी भाषा को सीखने का मेथड एक ही है। तो मैं आपको बता दूं, इस दुनिया के अंदर, इन द वर्ल्ड, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज वी वॉन्ट टू लर्न, सो सभी भाषाओं को सीखने का एक ही मेथड है, और वो मेथड है ठहरने का। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी भाषा आप सीखने के लिए जा रहे हैं उसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। इसीलिए मेथड थोड़ा सा पहले सुन लीजिए, उसके बाद डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिए, जिस भाषा को आप सीखने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहला मेथड है कि आप उसको लिसन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया लिसनिंग, सेकंड आपका स्पीकिंग, थर्ड आपका होगा रीडिंग, एंड द लास्ट वन इज दैट राइटिंग। अब थोड़ा सीखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं लिसनिंग। अब लिसनिंग की अगर मैं आपसे बात करूं, आई होप सो, मैं ऐसा करता हूं हिंदी को कंपेयर करता हूं, क्योंकि हिंदी हम बोलना सीख चुके हैं और काफी टाइम से मैं भी आपके सामने हिंदी ही बोल रहा हूं। चलो हिंदी की बात करते हैं, क्या हिंदी हमने इसी मेथड से सीखा है, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला लिसनिंग, यस, थोड़ा सा सोचिएगा, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपकी मम्मी आपके सामने एक नोटबुक, जब आप बोलना सीख रहे थे, जब आप 2 साल के आसपास थे, तो आपकी मम्मी आपके सामने नोटबुक या फिर कोई पेपर या फिर स्लेट वगैरह लेके आई हो, और उन्होंने आपके सामने ऐसे कहा कि देखो बेटा, पै आका डंडा, पै और एक और डंडा लगा दिए, बन गया पापा, बेटा लिख ले और पढ़ ले, ऐसा हुआ? आई होप सो नहीं। क्या हुआ कि मम्मी ने हमें कोई नोटबुक, कोई पेन नहीं दिखाया जब हम बोलना सीख रहे थे, मम्मी ने सीधा सा हमारे सामने बोला, बेटा पापा बोल। अब आपने क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया, उसको समझने की कोशिश की। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आपने नहीं बोला, सेकंड टाइम आपने नहीं बोला, थर्ड टाइम आपने नहीं बोला, पर धीरे धीरे वंस ट्वाइस थ्राइस फोर टाइम फाइव टाइम सिक्स टाइम आप ऑब्जर्व करते गए कि ये जो बोला जा रहा है मेरे सामने, ये मुझे बोलना है। एक बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, और आपने कोशिश की। हो सकता है पहली कोशिश में आपने पा बोला, फिर पा पापा ऐसे करके 2 बार बोला, तो धीरे 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 आप सुनते गए सुनते गए सुनते गए सुनते गए, और आपने पापा बोल दिया। और जैसे ही आपने पापा बोला, मम्मी को पता लगा कि आपकी जो ऑब्जर्व करने की पावर है, जो समझने की पावर है, वो बिल्डअप हो रही है, आपको समझ में आ रहा है। तो मम्मी ने फिर थोड़ा जल्दी प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दिया, पापा 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 बोलते गए, तो समझ में आया मम्मी को कि ये वर्ड तो इसने ऑब्जर्व कर लिया है, ये तो इसको समझ में आ गया, फिर दादा फिर नाना फिर नानी। अब आप देखिए कि प्रैक्टिस चली कब तक, आई होप 3 साल 4 साल 5 साल तक आपने इस प्रैक्टिस को किया, ये ड्यूरेशन रहता है, और आप धीरे 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 हिंदी समझना और हिंदी बोलना सीख गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्कूल्स। अगर मैं स्कूल की बात करूं, तो आपने देखा भी होगा पिलर्स पे लिखा होता है, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। इट मींस दैट इट इज शोइंग दैट कि स्कूल में आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। थोड़ी तो याद कीजिए, आप हिंदी बोलना सीख गए थे, जब आप स्कूल में गए तो आपके टीचर हिंदी आपके सामने बोल रहे थे, आपको समझ में आ रहा था, क्योंकि चीज आप पहले बोलना सीख गए थे और समझ में आ रहा था। तो तब टीचर ने क्या किया, आपको हिंदी बोलना नहीं सिखाया गया वहां पे, आपको वहां पे हिंदी पढ़ना और लिखना सिखाया गया, और आप सीख गए। क्यों? क्योंकि जो चीज समझ में और बोलने में आती है ना, जो चीज इसको आप समझ रहे हैं बोल रहे हैं, तो उसको फिर पढ़ना और लिखना इजी हो जाता है। बट लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपकी मम्मी ने आपको कहा हो, डियर सन डियर डॉटर से फादर, गो देयर कम हेयर, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर टू मी, सो आई होप सो नो, सो इट इज नॉट योर फॉल्ट, ये आपकी गलती नहीं है, उन्होंने आपको हिंदी में ऑब्जर्व करना सिखाया, हिंदी में समझना सिखाया, फिर बोलना सिखाया, वही काम उन्होंने इंग्लिश में नहीं किया जो आपसे 3 और 4 साल और 5 साल तक आपको हिंदी में करवाया गया,
वो इंग्लिश में नहीं गया। जब आप इंग्लिश सुनेंगे नहीं तो ऑब्जर्व क्या करेंगे, और जब ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो बोलेंगे क्या। सो दिस इज द मेन फैक्टर, जो 3 से 5 साल तक आपकी प्रैक्टिस घर पे इंग्लिश समझने की और बोलने की होने वाली थी वो आपकी नहीं हुई। जब स्कूल में गए डायलॉग वही है, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, तो वहां आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़ना और लिखना सिखाया गया, जिससे हम पीछे रह गए। हम इंग्लिश लिख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, कुछ कुछ समझ भी लेते हैं, बट वी कांट स्पीक इन इंग्लिश, हम बोल नहीं पाते। सो आई होप सो, अगर अभी तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो मैं कोई सिंपल सा लॉजिक देता हूं। बट उस लॉजिक को देने से पहले एक और बात मैं आपको बताता हूं कि इंग्लिश हम अब भी क्यों नहीं बोल पाते, उसका रीजन है। देखिए, जब हम हिंदी बोल रहे होते हैं तो हम किसी चीज को फिल्टर नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज नहीं जिसको फिल्टर करना पड़ रहा है कि ये वर्ड सही है मैं इसको बोल दूं, ये सेंटेंस सही है मैं इसको बोल दूं, नहीं ये नहीं इसकी जगह ये अच्छा है ये हिंदी में बोले, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। किस चीज को फिल्टर नहीं कर रहे हैं, आप बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं। बट जैसे ही बात इंग्लिश की आती है हम क्या करते हैं, पहले उस चीज को हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको इंग्लिश में लेके आते हैं और फिर स्पीक आउट करते हैं, जिसमें फिल्टर का काम बीच में हो जाता है। अब जब एक काम और बढ़ गया तो स्पीड ऑब्वियसली कम होने वाली है, और फिर धीरे 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 वो हमें फंबलिंग करवाती है या फिर वो हमें रोक लेती है 4 या 5 सेंटेंस बोलने के। थोड़ा सोच के देखिए, आप हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करते हैं, जस्ट बोलते जाते बोलते जाते बोलते जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास आइडियाज हैं। चलो मैं आपको फैक्टर बताता हूं कि फैक्टर क्या है। देखिए, किसी भाषा को सीखने के लिए जैसे मैंने बताया लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग जरूरी होता है, इससे भी एक चीज और जान लीजिए, वो जो आपने की है, जो आज तक आप डायरेक्टली तो नहीं जानते, इनडायरेक्टली वो चीज आपने किया है पर पता नहीं है, उस चीज मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात, थोड़ा सोचिए, अपने दिमाग से सोचिएगा कि क्या आपने हिंदी की ग्रामर पहले सीखी है या हिंदी बोलना पहले सीखा है। आपने पहले उपसर्ग प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण व्हाटएवर, इतना मुझे भी नहीं आता हिंदी या ग्रामर, सो वो टॉपिक्स आपने पहले सीखे हैं या फिर आपने सीखा है वर्तमान काल भविष्य काल भूतकाल, या फिर आपने हिंदी बोलना पहले सीखा। दो पॉइंट्स है आपके सामने, आपने हिंदी की ग्रामर पहले सीखी या हिंदी बोलना पहले सीखा। यस ऑफ कोर्स, आपने हिंदी बोलना पहले सीखा, ये एक रीजन है कि आप हिंदी बोल पाते हैं लिख पाते हैं समझ पाते हैं पढ़ पाते हैं, क्योंकि क्यों आपने हिंदी पहले बोलना सीखा, पहले टेंस नहीं सीखे आपने, पहले आपने ग्रामर नहीं सीखी। एंड व्हाट इज हैपनिंग इन इंग्लिश, उल्टा करते, जबकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था किसी भी भाषा को सीखने का मेथड एक ही होता है। जब आपने हिंदी में पहले हिंदी बोलना सीखा उसके बाद ग्रामर सीखी है, सो इंग्लिश में उल्टा क्यों कर रहे हो? आप इंग्लिश में चाहते हैं मैं पहले ग्रामर सीख लूं उसके बाद इंग्लिश बोलना सीखूंगा। कहीं ना कहीं माइंड में सेट हो सकता है, वो अंदर से तो स्पीकिंग होगी बट माइंड टू टंग नहीं आ पाएगा, वो दिमाग में चल रहा होगा जुबान तक नहीं लेके आ पाओगे, क्योंकि उसमें लेबर बढ़ जाती है। और फिर अगर किसी इंस्टीट्यूट पे जाके आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, वहां पे आपको नाउन सिखाए जाएंगे प्रोनाउन सिखाए जाएंगे। पहली तो प्रॉब्लम ये आ रही है, हम बोल नहीं पा रहे हैं, मतलब पहली तो हमें प्रॉब्लम यही है कि अभी तक हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आईएनजी लगाना नहीं आ रहा है। ऊपर से एक और टेंशन हमारे दिमाग में लगा दी जाती है, वो टेंशन क्या है कि नाउन क्या होता है प्रोनाउन क्या होता है एडजेक्टिव क्या होता है एडवर्ब क्या होता है कंजक्शन व्हाट एवर क्वेश्चन वर्ड ऑल्सो, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग कि अब हमें जो पहले हम फिल्टर कर रहे थे वो फिल्टर में ही इतनी फॉर्मलिंग हो रही थी, वही हमें रुक रुक के बोलना पड़ रहा था। ऊपर से ध्यान रखना पड़ेगा कि नाउन एडजेक्टिव प्रोनाउन, सो आई होप सो बहुत ज्यादा लेवल बढ़ जाते हैं, जहां आप 5 सेंटेंस बोल पाएंगे अकॉर्डिंग टू मी आई ऑल्सो 2 सेंटेंस बोलना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, थिंक अबाउट दैट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या है, वो प्रॉब्लम ये है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी तक हमें इंग्लिश बोलना क्यों नहीं आया, या फिर मैं बात करूं कि सर हमें इंग्लिश तो बोल लेंगे हमें रूल्स भी आते हैं, आपने जो करवाया वो सब कुछ हमने अडॉप्ट किया है और हमें अच्छे अच्छे से याद है, फिर भी मैं आपसे पूछूं फिर इंग्लिश बोलना आया क्यों नहीं, आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं उस चीज को, तो वो कौन सा सेकंड पॉइंट है जो आपके पास नहीं है? प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस किसके साथ करें, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। आई होप सो अकॉर्डिंग टू जो मैं आपके बारे में सोच रहा हूं कि प्रैक्टिस किसके साथ करें, दोस्तों के साथ। बोलेंगे अंग्रेज रहने दे, भाई अंग्रेज बन गया, अरे फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी ऐसी बातें आपको वहां से सुनने को मिलेगी। या फिर मम्मी के साथ जितनी आती है वो भूल जाओगे, तो प्रैक्टिस किसके साथ करें। तो ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छा मेथड है प्रैक्टिस करने का वो है अपने माइंड से, जो आपके माइंड में है, जो आप सुबह से लेकर शाम तक कर रहे हैं, ट्राई टू राइट डाउन, उसको आप लिखने की कोशिश कीजिए। फॉरगेट दैट कि आप वहां पे आईएनजी लगा रहे हैं, वहां पे जमार अच्छे से लगा रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, सेकंड लगा, जस्ट फॉरगेट दैट, इट इज योर फर्स्ट वर्क जो आपको करना है, जो आपके माइंड में है वो आप लिखिए। हर रोज कोशिश कीजिए सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या क्या किया वो आप लिखिएगा। अब जैसे ही लिखेंगे ना, देखो कोई ऐसी चीज नहीं है इस दुनिया के अंदर जो आपके माइंड में नहीं है और आप उसके बारे में सोचें। हाउ इफ आई एम टॉकिंग टू यू कि ऐसा कोई वर्ड जो आपके माइंड में नहीं उसके बारे में सोच के दिखाओ, इट इज नॉट पॉसिबल। देखो आपको सब कुछ पता है, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं आपको पता है पैरेट क्या होता है, ट्री क्या होता है, चेयर क्या होती है, टेबल क्या होती है, माइक क्या होता है, जितने भी वर्ड्स आपके माइंड में हैं वो स्टोर हैं, आप पहले से उनके बारे में जानते हैं, इसलिए आप उनके बारे में सोचते हैं। तो जो आप सोच रहे हैं, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है आज से, जो आप सोच रहे हैं वो आपके माइंड में है, जस्ट माइंड टू टंग, उसको माइंड से टंग तक लेके आइए, जो माइंड में उसको आने दो। हाउ, अब देखिए क्या होता है जब हम अपने किसी दोस्त के सामने इंग्लिश बोल रहे होते हैं, तो सब कुछ ध्यान रखते हैं, मतलब या तो हम रखते हैं या फिर वो हमें रियलाइज करवाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इफ यू आर गोइंग फॉर टॉकिंग विद फॉरनर, फॉरनर के साथ अगर बात करें तो फॉरनर मैटर नहीं करता, वो ये मैटर नहीं करता कि आप इजमार सही से लगा रहे हैं, विल सही से लगाया नहीं लगाया आपने, ही ट्राई टू ऑब्जर्व यू, ही ट्राई टू गेट यू, व्हाट एवर यू वॉन्ट टू से, वो उस चीज को सुनता है, उस चीज को समझता है। और फॉरनर के साथ एक बार भी बात करते वक्त आपके माइंड में नहीं आता आई एम स्पीकिंग राइट और रॉन्ग, सो वो कॉन्फिडेंस कहां से आया? वो कॉन्फिडेंस इसलिए आया बिकॉज इन योर माइंड द वन टारगेट इज सेट, वो टारगेट ये कि आई एम टू मेक हिम अंडरस्टैंड, जस्ट मुझे इसको समझाना है कैसे भी, जस्ट डू द सेम थिंग इन योर डायरी ऑल्सो। आप सुबह से हर रोज के प्रैक्टिस बना लीजिए कि आपको शाम को लिखना है आपने सुबह से लेके पूरे दिन के दौरान क्या क्या किया। रूल मैं आपको बता चुका हूं, जो काम किया जो चला गया वो सेकंड फॉर्म के साथ होगा। सो कोशिश कीजिए सब कुछ बताने की कि क्या क्या आपने सुबह से लेके शाम तक किया। आई होप समझ में आएगा, आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। सो कीप इन माइंड वन थिंग विच आई एम टॉकिंग टू यू विच आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस सबसे जरूरी चीज होती है। जो कुछ माइंड में आता है कोशिश कीजिए लिखने का, बोलते वक्त भी आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं, स्टार्टिंग है। और अगर आप इतना नहीं सोचेंगे, ऐसे नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम फेस करेंगे। आपको भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा आर आना था मैंने इस लगा दिया, मेरा हैव आना था मैंने हैज लगा दिया। देखिए आपने साइकिल चलाना सीखा, क्या साइकिल चलाते वक्त जब आप पहले दिन साइकिल लेके गए ये माइंड में था कि बगैर चोट खाए मैं सीख जाऊंगा, या कोई ऐसा है जो बगैर चोट खाए साइकिल चलाना सीख जाए, बगैर बाइक के झटके खाए बाइक चलाना सीख जाए? आई होप सुनो, मिस्टेक्स इज अ फर्स्ट स्टेप टू लर्न समथिंग। जब तक आप गलती नहीं करेंगे आपको सही का पता नहीं लगने वाला। सो गलती कीजिए, आप स्पीक आउट कीजिए, और सबसे अच्छा तरीका है आप सुबह से शाम तक जो भी करते हो उसको लिखिए। एंड द सेकंड थिंग इज दैट हर रोज अपना मोबाइल उठाइए, रिकॉर्डिंग पे लगाइए, व्हाट एवर यू वांट टू स्पीक जस्ट स्पीक, बोलिए उसको, स्पीक आउट कीजिए, जितना बोलेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। और वीडियोस तो आप देख ही रहे हैं, जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर आप थोड़ा सा सोच पाए सामने वाला बंदा डू यूज कर रहा है तो जस्ट थिंक अबाउट दैट कि मुझे आंसर, ये मत सोचिए कि ये हैबिट की बात है, वो आप सोच चुके हैं। अगर कोई डू से क्वेश्चन कर रहा है माइंड में आना चाहिए मुझे यस में आंसर देना, तो आई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मना करना आई डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा,
किसी ने क्वेश्चन डस से किया तो ध्यान रखिएगा कि मुझे एस या यस लगा के यस में आंसर देना है, मना करना डज नॉट, और उसके बाद सीधा वर्ब आएगा। अगर कोई क्वेश्चन विल से कर रहा है तो मेरे पास चार ऑप्शन है, मुझे ऐसे ऐसे करके आंसर देना है। अगर कोई क्वेश्चन मुझसे हैज से कर रहा है तो मुझे आंसर जो देना वो थर्ड फॉर्म के साथ देना है, या तो यस में आंसर देना तो आई हैव थर्ड फॉर्म लगानी है, और मना करना तो आई हैव नॉट थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर कोई आपसे हैज से क्वेश्चन कर रहा है तो प्रोसीजर आपको समझ में आना चाहिए। सो दिस इज द मेन थिंग यू विल गेट दैट, जो आपको समझनी है। आई होप प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आएगा। जो चीज याद रखनी है, फर्स्ट थिंग इज दैट यू विल डू कि सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या क्या किया है, यू विल राइट डाउन, कोशिश कीजिएगा लिखने की, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा है। इनकमिंग टाइम जब आप उस डायरी को उठा के देखेंगे, उस बुक, उस नोटबुक को उठा के देखेंगे जिसके अंदर आपने लिखा, तो हो सकता है उस टाइम जब आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोले तो हंसी आए, बट डियर इट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड थिंग इज दैट रिकॉर्ड योर वॉइस और सुनिए उसको बार बार। आप बातें कीजिए उस मोबाइल के साथ रिकॉर्ड करते वक्त, उससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है, और अच्छे अच्छे आर्टिकल्स, अच्छे अच्छे वीडियोस आप देखते रहिए, उससे इंप्रूव हो सकती है। सो ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, जो माइंड में आता है स्पीक आउट कीजिए। तो मेन थिंग इज दैट कि हमें थॉट्स, देखिए जब आप लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपको सोचना पड़ेगा, और सोचना किस चीज के बारे में पड़ेगा, वो कैब के बारे में, वर्ड मीनिंग के बारे में, या तो वो आपके माइंड में होंगे या फिर आप इधर उधर से देखेंगे उनको। और एक बार सेट हो गया, जैसे देखो आपने हिंदी का जो वर्ड पावर है वो सेट कर लिया माइंड में। देखिए आप हर रोज नॉर्मली वही वर्ड्स बोलते हैं जो आपके माइंड में है, कोई नया वर्ड्स आप नहीं लेके आते, कोई आपने सेट कर लिया। आप करना क्या है, जो वो कैब आपकी हिंदी में है जस्ट वो आपको इंग्लिश में उठा के लेके आनी है। एंड व्हेन इट विल बी पॉसिबल, ये कब होगा, जब आप सुबह से लेके शाम तक जो जो करते हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे तो वो सभी वर्ड्स जो आपके हिंदी में है वो इंग्लिश में आ जाएंगे। या आई नो दैट की प्रैक्टिस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट धीरे 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 इसको 10 दिन करेंगे, 15 दिन करेंगे, और जब इसको 1 महीना कर लेंगे तो आपकी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाएगी। सो आई होप समझ में आया होगा। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। करना क्या है, जस्ट राइट डाउन एवरीथिंग जो आप सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। सेकंड, रिकॉर्ड योर वॉइस। आप डॉग के बारे में बोलिए, आप टीवी के बारे में बोलिए, आप वॉट एवर जो आपके माइंड में आता है, जिसके आपको नॉलेज है, स्पीक आउट दैट, नो प्रॉब्लम। जस्ट कोई जरूरी नहीं कि आपको बहुत एक्सपेंसिव वर्ड्स यूज करने हैं, इंप्रेसिव वर्ड्स यूज करने हैं। अगर आप सिंपल वर्ड यूज करेंगे दिस इज ऑल्सो स्पोकन, और स्टार्टिंग में सिंपल आ जाए मीन्स दैट कि बाइक हैंडल पकड़ के सीखना आ जाए तो बाद में तो स्टंट कर ही लेंगे ना, कॉन्फिडेंस जैसे आता जाएगा हाथ छोड़ देंगे और बाइक पे फिर स्टंट करना शुरू कर देंगे। तो अभी फिलहाल ध्यान रखिए, आप बाइक हैंडल पकड़ के सीख रहे हैं तो सिंपल से सिंपल जितना आप कर पाए यू आर टू डू, आपको करना है। आई होप इंटरेस्टिंग रहा होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे बताइएगा जरूर कि वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस टाइम। Thank you.